अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलियास कुज़ीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाफलो की रेसिपी, जो कि एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम से बाफले हमने तैयार किए हैं, और ये ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं। इनको गोश्त के साथ भी खाया जाता है और दाल के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट से बाफले हमने यहाँ पर तैयार किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो इनको बनाना भी आसान है, किस तरह हमने तैयार किया है। चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने 1 किलो लिया है गेहूं का आटा, तो ये नॉर्मल आटा लिया है हमने, जो कि हम रोटी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 100 ग्राम हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे मोयन के लिए। इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड करूंगी मैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले सूखे ही इसको मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल को हमें अच्छे से, इसमें हमने नमक हल्दी और ऑयल जो भी डाला है इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें पानी डालते हुए इसका आटा तैयार करना है। तो हमें जो इसका आटा है, ये रोटी का जो आटा हम गूंथते हैं, इससे थोड़ा सा हमें हार्ड रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं करना है। देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए बस आटा, कि इसके अच्छे से हम बाफले तैयार कर सकें। इसको कवर करके रख देते हैं 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर आटा और ज़्यादा अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसी तरह का हमें आटा इसमें लगेगा, इतना सॉफ्ट जो डो है हमारा तैयार होना चाहिए। अब इसको एक बार से फिर से हमने अच्छे से गूंध लिया था। इसके बाद इसके हमें जिस साइज़ के बाफले चाहिए इतनी बड़ी हमें लोई तैयार कर लेना है। तो देखिए इसकी हमने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने एक रोलिंग बोर्ड लिया है, इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं। तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो लोई ली है इसको भी हम इस तरह से प्रेस करते हुए, और फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे हम रोटी की तरह। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर जो हमारी रोटी है, देखिए बिल रही है, बस इसी तरह से इसे रोल आउट करना है हमें। तो इस तरह से 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल हम इसमें अंदर भी लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और इसको इस तरह से हम नाइफ से कट कर लेंगे बीच में से आधा, और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको बस रोल करते जाना है। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा जो बाफला है ये हम तैयार करेंगे, और इसमें काफ़ी सारी लेयर्स भी आने वाली हैं। देखिए ये हमने अच्छे से इसको रोल कर लिया है। बस अब इसको हल्के हाथ से नीचे की तरफ रोटेट करते हुए घुमाते जाना है, और इसका जॉइंट जो है इसको भी हमें अंदर की तरफ प्रेस कर देना है इस तरह से हल्के हाथ से। देखिए अब इसको नीचे रख कर इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें करना है ये। और यहाँ पर हमारा जो बाफला है ये रेडी है। तो एक बाफला हमने इस तरह से बनाया है और दूसरा हम अलग तरीके से तैयार करेंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे हम, जैसे कि हमने रोटी बेलना है पहले। तो इसकी रोटी जो है हमें ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, थोड़ी थिकनेस होना चाहिए। इसके बाद ऑयल लगा कर हम चारों तरफ फैला लेंगे, और जिस तरह हम पराठा बनाते हैं लच्छा पराठा, इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। इसको लंबाई में इस तरह से बढ़ा लेते हैं ताकि काफ़ी सारी लेयर्स आए हमारे जो बाफला तैयार होगा उसमें। और देखिए इसको इस तरह से हमें रोल करना है घुमाते हुए, इसके जॉइंट को प्रेस कर देंगे हम। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं फ्रेंड्स, आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरह से बना लीजिए बाफले। और यहाँ पर हमने पानी को पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था बाफले उबालने के लिए। अब इसमें एक एक करके हम बाफलों को ड्रॉप कर देंगे, और इसको हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये ऊपर ना आ जाएं हल्के होकर। इनको आधा आधा हम ढक देते हैं इस तरह से। तो देखिए जो बाफले हैं ये ऊपर आ चुके हैं हल्के होकर, इनको निकाल लेते हैं हम। तो इनको स्ट्रेनर में निकालना है हमें, ताकि इसका जो पानी है ये अलग हो जाए, और इन्हें फ़ैन के आगे रख देना है हमें। तो इस तरह से देखिए ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ओवन को पहले से प्री हीटेड कर लिया था, 10 मिनट पहले इसको हमने
बिल्कुल सिम पर करते हुए गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसी तरह से हमें पहले से ओवन को गर्म कर लेना है और इसके बाद हमें इसमें एक एक करके बाफले लगा देना है। कवर करके इसको हम मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं। बस इनको पलट देते हैं हम, तो दोनों साइड से इनको इसी तरह से हमें सेकना है उलट पलट करते हुए। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमारे जो ये बाफले हैं ये अच्छे से सिक गए हैं। इसी तरह से हमें सारे बाफले सेक कर तैयार कर लेना है। अब हमें गरम गरम बाफलों को ही एक कपड़े के अंदर रख के इस तरह से हम दबाते हुए इसकी लेयर्स खोल लेंगे, ताकि जो अब हम घी देंगे इसमें तो अंदर तक अच्छे से इसके घी चले जाए, इसके जो लेयर्स है सेपरेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले से घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म घी में इसे फ्राई कर लेना है हमें। तो इसको दोनों साइड से हम अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको घी में डिप करके भी निकाल सकते हैं। देसी घी में बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, इसका जो मज़ा होता है देसी घी में ही ज़्यादा आता है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप देसी घी में ही इसे फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमारे बाफले काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और मैंने इसको सर्व किया है दाल के साथ। तो ये दाल की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है फ्रेंड्स चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी हो तो आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये गोश्त के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो सुपर सॉफ्ट से बाफले मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।